यो व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर मेकिंग गेम्स और स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को टैप करो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं मेरे लाइफ और फिजिक अपडेट्स उधर डालते रहता हूँ, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा पूरा पुश वर्कआउट दिखाने वाला हूँ और मेरा पूरा पुश वर्कआउट आप डिटेल में जानने वाले हो। मैं एक सर्टिफाइड कोच या ट्रेनर नहीं हूँ, ये एक वर्कआउट स्प्लिट है जो मैं फॉलो करता हूँ और मेरे ओपिनियन में ये स्ट्रेंथ और मसल बिल्ड करने में सबसे अच्छा है। मैं एक लेग्स पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ और मेरे ओपिनियन में ये सबसे अच्छा है फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस लिफ्टर्स एज वेल। आई ट्रेन 6 times a week और मैं 2 push workout फॉलो करता हूँ। आज मैं आपको मेरे फर्स्ट पुश वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूँ, विच इज मोर चेस्ट डोमिनेंट। ये पुश वर्कआउट में हमारा मेन फोकस होने वाला है बारबेल बेंच प्रेस पे स्ट्रेंथ बढ़ाना। ये स्क्वाट जैसे कंपाउंड मूवमेंट है और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त हमारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप इस्तेमाल होते हैं। बारबेल बेंच प्रेस जिम में मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। मेरा पर्सनल बेस्ट 120 kgs है फॉर 1 rep एट जस्ट 72.8 kgs ऑन द बारबेल बेंच प्रेस। चेस्ट में मसल मास बढ़ाने के लिए बारबेल बेंच प्रेस से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो ये एक्सरसाइज को अच्छे फॉर्म के साथ परफॉर्म करो। मैं आपके लिए मेरा पूरा पुश डे 1 डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट एंड लेट मी नो इफ दिस वर्कआउट रूटीन हेल्प्स यू। आज का पुश डे 1 चालू करने से पहले हम थोड़े मोबिलिटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने वाले हैं फॉर आवर शोल्डर्स, सो दैट देयर इज नो इंजरी रिस्क। उसके बाद हम थोड़ा डायनामिक स्ट्रेचिंग करने वाले हैं सो दैट देयर इज नो डिफिकल्टी व्हाइल आई एम बेंच प्रेसिंग। प्लेटो कर्व्स को भी अच्छे से वार्म अप करो सो दैट देयर इज नो स्टिफनेस इन योर शोल्डर्स व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग द बेंच प्रेस। रोटेटर कफ्स को वार्म अप करने के बाद मैं मेरे शोल्डर्स के फ्रंट साइड और रियर डेल्स को एक लाइट वेट सेट के लिए ट्रेन करता हूँ सो दैट देयर इज ब्लड फ्लो इन माय शोल्डर्स बिफोर परफॉर्मिंग द बेंच प्रेस। पुश वर्कआउट चालू करने से पहले मैं एक लाइट लैट पुल डाउन का सेट मारता हूँ क्योंकि बेंच प्रेस परफॉर्म करते टाइम हमारे लैट्स काफी एंगेज होते हैं। तो अभी हम हमारा पुश वर्कआउट 1 चालू करने वाले हैं और हमेशा मैं एक एम्प्टी बारबेल के साथ ये एक्सरसाइज चालू करता हूँ। While performing the barbell bench press, make sure you have an arch in your back, your feet are planted on the ground, and your hands are just outside shoulder width. While performing the barbell bench press, make sure the bar touches your chest completely. अगर आप half reps लगाओगे तो आपका ज़्यादा chest activation नहीं होगा। इसके बाद मैं 2 और warm-up sets मारता हूँ। I work my way up towards my top set. आज का top set रहने वाला है 100 kgs for 5 sets and 5 reps. मेरा मानना है कि अगर आप 80 या 85 kgs के साथ 5 sets और 5 reps सक्सेसफुली नहीं कर पाते हो तो आप एक बिगिनर हो और आपको अपने बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ, फॉर्म और माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करने पे पूरा फोकस करना चाहिए और फॉर्म को वेट से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। ईगो लिफ्टिंग प्लीज मत करो क्योंकि ईगो लिफ्टिंग इज द ओनली थिंग किलिंग योर गेन्स। फोकस ऑन फॉर्म और ये आपके चेस्ट मसल्स को बढ़ाने वाला है। आज का दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है सीटेड ओवरहेड डंबल शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के फ्रंट बेल्ट को टारगेट करता है। हम एक ऐसा वेट चूज करने वाले हैं जो हम 8 से 12 rep मार सकते हैं 3 sets के लिए सक्सेसफुल। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त मुझे मेरे शोल्डर में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और पंप मिलता है। अभी हम आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे फोकस करने वाले हैं। हम चालू करेंगे चेस्ट से, फिर शोल्डर और एंड में ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। हमारा पहला आइसोलेशन एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज इन टोटल होने वाला है पेक डेक फ्लाइज और मशीन फ्लाइज। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त मुझे मेरे चेस्ट के मसल्स में एक अच्छा स्क्वीज मिलता है। ये एक्सरसाइज ने मेरे चेस्ट डेवलपमेंट को बहुत मदद की है। आप ये एक्सरसाइज डंबल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो पर ये एक्सरसाइज मैं मशीन पे मारना प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई हैव अ बेटर माइंड मसल कनेक्शन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज ऑन द पेक डेक मशीन। हमारा अगला आइसोलेशन एक्सरसाइज हाई केबल फ्लाइज होने वाला है। हाई केबल फ्लाइज को भी मैं मेरे पुश डे में इंक्लूड करता हूँ टू एड मोर वॉल्यूम एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन माय चेस्ट। ये एक्सरसाइज मुझे मारने में मजा आता है क्योंकि ये मुझे एक अच्छा पंप भी देता है, तो मैं इसके 3 sets लगाता हूँ 8 to 10 rep रेंज में। हमारा अगला आइसोलेशन एक्सरसाइज लैटरल रेजेस होने वाला है हमारे शोल्डर्स के। ये हमारे शोल्डर्स को एक राउंडर और ब्रॉडर लुक देता है। शोल्डर डेवलपमेंट के लिए ये एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। ट्राइसेप्स के मैं 2 exercises लगाता हूँ मेरे पुश डे 1 पे। मैं चालू करता हूँ सिंगल हैंड ट्राइसेप पुश डाउन के साथ।
मुझे ये एक्सरसाइज मारते समय ट्राइसेप में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और ये आपके बेंच प्रेस के नॉकआउट स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। ये एक्सरसाइज मैं 3 सेट 12 रेप के लिए मारता हूँ। आज के पुश डे 1 का फाइनल एक्सरसाइज होने वाला है ट्राइसेप स्कल क्रशर्स। ये एक्सरसाइज मैं इजी बार के साथ परफॉर्म करता हूँ। दिस हेल्प्स माई ट्राइसेप गेट अ गुड कॉन्ट्रैक्शन और ये मुझे एक अच्छा पंप भी देता है। ट्राइसेप को अच्छे से ट्रेन करो एज इट कवर्स 2/3 ऑफ योर आर्म। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करो सो दैट देयर इज नो टाइटनेस एंड स्टिफनेस इन योर ट्रेन मसल्स। इसके साथ हमारा पुश डे 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना, आपके वर्कआउट बडी के साथ शेयर करो और आपको कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।